हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेके आए हैं बिस्किट की रेसिपी, जो हम गुड़ा और आटा से और सूजी से बनाएंगे। आप इस रेसिपी को देखोगे तो आप बाजार से लाना भूल जाओगे, आप बार बार इसी तरीका से बिस्किट खाना पसंद करोगे। आइए चलिए बनाते हैं बिस्किट की रेसिपी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आटा और सूजी की बिस्किट बनाने के लिए बड़ी कटोरी हमने आटा लिया है, और हमने आधी कटोरी हमने गुड़ लिया है, और ये हमने छोटी कटोरी लिया है हमने सूजी। मोयम के लिए लिया है हमने ये देसी घी, हमारा देसी घी आधी कटोरी है। पहले हम इसे पलगाएंगे। गैस की फ्लेम को हमने जला लिया है, अब बंजिया रख दी है हमने गैस पर। अब हम जो घी डालेंगे इसमें, घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसमें जो गुड़ डाल देंगे, गुड़ को भी हमें अच्छे से मेल्ट करना है, अच्छे से घोला जाना चाहिए। देखिए हमारा गुड़ बिल्कुल से पिलक चुका है। अब इसमें डाल देंगे जी आधी कटोरी हमने दूध लिया, इसको डाल देंगे। हमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल नहीं, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। अब हम एक भगोना लेंगे, भगोना में जी आटा डालेंगे, सूजी को भी डाल देंगे, इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। हमने आटा और सूजी को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम जो हमने गुड़ और दूध को मेल्ट घी को मेल्ट किया था, ये भी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। हमें ज़्यादा गीला आटा नहीं लगाना है। देखिए हमने अच्छे से ने मिला लिया है। अब हम हाथ से मसल लेंगे। हमें सख्त दूध तैयार करना है, हम हाथ से भी मसल लेंगे। देखिए हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। अब अपनी पसंद की आकार की आप बिस्किट बना सकते हैं। बिस्किट बनाने के लिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है। देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब हम एक चम्मच लेंगे, चम्मच की सहायता से आटा को ऐसे निकालेंगे। और हमें थोड़ी मसीन होना है, आप गोल भी बना सकते हैं और आप लंबे भी बना सकते हैं बिस्किट, जिस साइज की आपको पसंद हो। और ऐसे कर लीजिए। देखिए लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी हमारी बिस्किट। हम सारी बिस्कुटों को ऐसे बना के तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने सारी बिस्कुटों को हमने बना के तैयार कर लिया है। अब हम गैस जलाएंगे। हमने गैस की फ्लेम को जलाकर हमने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। हम कढ़ाई में फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके हम बिस्किटों को डाल देंगे। देखिए हमारी बिस्किट सेक के तैयार हो चुकी है। अब हमें एक एक निकाल लेंगे इन्हें। इसी तरह हम सारी बिस्किटों को सेक लेंगे। हमें लोटा पलटा के सेकना है दोनों साइड से अच्छे से। देखिए दोस्तों, हमारी सारी बिस्किट सेक कर तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितने अच्छा कलर आया है। लग रहा है कि जो घर की बिस्किट है, लग रहा है जैसे बिल्कुल मार्केट की बिस्किट हो। देखिए हमारी सारी बिस्किटें बन के तैयार हो गई। और आप इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार से बना के खाएं, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।